हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशनल क्रांति में। दोस्तों, यहाँ पर एक नई जानकारी लिखा है जो कि पटवारी भर्ती के संबंध में है। एक नया आदेश जारी हुआ है, उससे संबंधित दोस्तों एक अपडेट है, जिससे कि दोस्तों ये आदेश आपका निर्भर करता है कि आप रिजल्ट पर या यहाँ पर आपकी भर्ती रद्द होगी या नहीं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर जानकारी ये आपके लिए रहने वाली है, जो कि दोस्तों आपकी ग्रुप टू सब ग्रुप फोर यहाँ पर पटवारी भर्ती से संबंधित रहने वाली है। इस भर्ती से संबंधित बहुत बड़ी अपडेट है जो कि आपको यहाँ पर देने का प्रयास करेंगे। साथ साथ दोस्तों आपके लिए एक जानकारी भी है इसमें कि आप यदि यहाँ पर इस भर्ती से संबंधित कोई जानकारी जानते हैं तो भी दोस्तों आप यहाँ पर जो है इनका सपोर्ट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों आप इस नोटिफिकेशन पर लिए चलते हैं जो कि एक ऑफिशियल है, जिसमें कि आपको यहाँ पर जानकारी मिलेगी कि किस प्रकार से इस भर्ती की दिशा निर्देश हो सकते हैं। चलिए सबसे पहले उस नोटिस के बारे में देखते हैं, उसके बारे में यहाँ पर जानेंगे कि यहाँ पर क्या हो सकता है इस भर्ती के अंदर। यहाँ पर देखने को मिला है जो कि आपका ग्रुप टू सपोर्ट फोर की भर्ती संबंधित है, और यहाँ पर जो ये नोटिस जो है आपकी ग्रुप टू सपोर्ट फोर की भर्ती संबंधित है, जो कि 2022 की भर्ती है। इसमें दोस्तों यहाँ पर नोटिस में क्लियरली मेंशन किया गया है, यहाँ पर जो शिकायतकर्ता है मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की पटवारी भर्ती है, उससे संबंधित यदि आपको कोई भी शिकायत है, आपके पास कोई सबूत है इस भर्ती से संबंधित, तो दोस्तों आप यहाँ पर जो है भोपाल, रायसेन, सीहोर या विदिशा जिले से हैं तो आप अपनी शिकायतकर्ता अपने साक्ष्य को निम्न तिथि आपको यहाँ पर जो है प्रातः 10:30 को यहाँ 10 बजे से 1 बजे के बीच उपस्थित होकर यहाँ पर सबूत देना है। सबूत यहाँ दे सकते हैं या आपको कोई शिकायत है तो वो शिकायत कर सकते हैं, ताकि उस शिकायत पर यहाँ पर कुछ कार्य किया जाए और आपको यहाँ पर पारदर्शिता लगे कि इस भर्ती के अंदर पारदर्शिता रखी गई है। तो दोस्तों यदि आप यहाँ पर भोपाल ज़िले से आते हैं तो आपको 16 तारीख को यहाँ पर पहुँचना है, यदि आप यहाँ पर सीहोर, रायसेन, विदिशा ज़िले से आते हैं तो आपको यहाँ पर 17 तारीख को पहुँचना है। टाइमिंग आपकी 10 से 1 के बीच रहेगी। इसके साथ साथ जो शिकायतकर्ता रहेगा उसको अपने दस्तावेज और साथ साथ दोस्तों ID प्रूफ भी यहाँ पर लेकर जाना है। ये ऐसा यहाँ पर नोटिस देखने को मिला है, और इस नोटिस के अंतर्गत ये ऑफिशियल है या नहीं, किसी विभाग के द्वारा आया है नहीं, ये अभी कह पाना मुश्किल है। लेकिन दोस्तों इस नोटिस के माध्यम से ये भी नज़र आता है कि ये कुछ जिलों के ही इसमें नाम है, बाकी जिलों के यहाँ पर नाम नहीं है, या आगे यहाँ पर देखने को मिलेंगे, या कुछ जिलों से ही यहाँ पर तय कर लेना चाहते हैं कि इस भर्ती के अंदर कुछ समस्या हुई भी है या नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर यदि आपको कोई शिकायत है इस भर्ती से संबंधित, आपको लगता है कि यहाँ पर कोई भी फर्जीवाड़ा हुआ है और आपके पास कोई सबूत है, तो दोस्तों आप यहाँ पर जाकर दे सकते हैं अपना प्रूफ के साथ 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 जो सबूत है वो भी आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों जो कैंडिडेट यहाँ पर जो कैंडिडेट यहाँ पर जो है पास हो गए हैं, जो यहाँ पर अच्छे नंबर लाए हैं, मेरिट में है, उन कैंडिडेट को भी घबराने की दिक्कत नहीं है। यदि यहाँ पर इन साक्ष्य और इन सबूतों में कोई भी सच्चाई हो गई तो उसको यहाँ पर चेक किया जाएगा। जज की यहाँ पर बेंच बनी हुई है, वो बेंच चेक करेगी, और यहाँ पर 31 अगस्त तक यहाँ पर समय दिया गया है। पूरी जाँच की प्रोसेस होगी और उसके बाद ही यहाँ पर सिलेक्शन की प्रोसेस की जाएगी, अर्थात आगे ज्वाइनिंग की प्रोसेस होगी, रिजल्ट की प्रोसेस देखने को मिलेगी। अन्यथा कोई भी गलती यहाँ पर इस भर्ती के अंतर्गत पकड़ी आती है तो भर्ती यहाँ पर जो है या तो किसी के कुछ सेंटरों के एग्जाम रद्द किए जा सकते हैं या पूरी भर्ती भी रद्द की जा सकती है, यदि कोई बड़ी जानकारी यहाँ पर जो है मिलती है जिसमें कि कोई यहाँ पर गड़बड़ी देखने को मिली हो। बाकी दोस्तों फिलहाल इससे ये क्लियर हो जाता है कि यहाँ पर सरकार यहाँ पर कुछ ना कुछ करने को तैयार है, यहाँ पर जो जांच की प्रक्रिया है उसको यहाँ पर बढ़ाने के लिए तैयार है। और दोस्तों इससे ये भी लगता है कि यहाँ पर जांच की प्रक्रिया यहाँ पर चल रही है, जिससे कि कुछ पारदर्शिता देखने को मिलती है। हालाँकि ऐसा भी हो सकता है कि इसमें चंद कैंडिडेट से यहाँ पर जानकारी मांगने के बाद और यहाँ पर कह दिया जाए कि ये जांच पूरी हो गई है, ये भी हो सकता है। बाकी दोस्तों एक जानकारी थी जो कि आपको देना जरूरी था, क्योंकि आप इस भर्ती से संबंधित या इस भर्ती से जुड़े हुए हैं तो इसके रिजल्ट की चिंता, साथ साथ इस भर्ती से में कोई गलती ना हो, कोई किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार ना हो, और साथ साथ जो ईमानदार कैंडिडेट है, जो ईमानदारी से यहाँ पर जो है नंबर लाया है, उसके साथ भी कोई नाइंसाफी ना हो। इस प्रकार की प्रक्रिया के लिए हम आपको जानकारी देते रहेंगे, आप हमसे जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।